हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्पोर्ट्सशाला में। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट देखते हैं या अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो बैट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या अंतर हैं और कौन सा बैट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि विलो क्या होता है। तो विलो जो होता है वो एक तरह की लकड़ी होती है, यानी कि एक तरह की वुड होती है जिसका यूज़ किया जाता है लगभग सभी बैट्स बनाने में। और जो विलो होती है वो दो तरह की हमें यहाँ पर मिलती है, एक होती है कश्मीर विलो और दूसरी होती है इंग्लिश विलो। दोस्तों, इंग्लिश विलो का जो पेड़ होता है वो मोस्टली उगाया जाता है इंग्लैंड में, जहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और बिल्कुल धीरे धीरे इस पेड़ की ग्रोथ होती है। और जो कश्मीर विलो होता है वो उगाया जाता है हमारे इंडियन कश्मीर रीजन में और इसकी जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली थोड़ी जल्दी होती है। अगर हम बात करें इन दोनों के मटेरियल्स की, तो जो इंग्लिश विलो होता है उसका मटेरियल हल्का होता है, यानी कि उसकी डेंसिटी कम होती है। वहीं अगर कश्मीर विलो की हम बात करें तो वो इंग्लिश विलो के कंपैरिजन में थोड़ा सा उससे भारी होता है। साथ ही साथ जो इंग्लिश विलो होता है वो सॉफ्ट होता है कंपेयर टू दी कश्मीर विलो। वहीं पर जो कश्मीर विलो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, यानी कि उसकी जो लकड़ी है, उसकी वुड है, वो थोड़ी सी हार्ड होती है। दोस्तों, अगर बात करें इनके कलर की जो वाइट विलो होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, यानी कि वाइट कलर का होता है। वहीं पर जो कश्मीर विलो होता है उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मेरे पास में यहाँ पर है एक इंग्लिश विलो बैट और आप देख सकते हैं कि जो इसका कलर है वो लगभग पूरा वाइट है। अगर बात करें नंबर ऑफ ग्रेन्स की, यानी कि जो ग्रेन होते हैं बैट के ऊपर, टेक्स्चर होता है, जो लाइनिंग सी होती है, तो इंग्लिश विलो बैट में जो नंबर ऑफ ग्रेन्स होता है वो ज़्यादा होता है। वहीं कश्मीर विलो बैट में ग्रेन्स की संख्या कम होती है, यानी कि इंग्लिश विलो बैट में जो ग्रेन्स होते हैं वो पास होते हैं, ग्रेन की जो मोटाई है वो थोड़ी सी कम होती है। दोस्तों, अगर बात करें इन दोनों के प्राइसिंग की, तो सीधे सीधे शब्दों में जो कश्मीर विलो बैट होता है वो सस्ता होता है कंपेयर टू दी इंग्लिश विलो बैट, यानी कि इंग्लिश विलो जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कश्मीर विलो के मुकाबले। इंग्लिश विलो बैट की 5 ग्रेड्स होती हैं 1 से लेकर 5 तक, जिनमें कि जो ग्रेड 1 है वो सबसे अच्छा बैट होता है, वहीं पर ग्रेड जो 5 है वो लोअर क्वालिटी का होता है और इसी सीक्वेंस में होता है। दोस्तों, अगर बात करें इनके यूजेस की, तो जो ज़्यादातर प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो यूज़ करते हैं इंग्लिश विलो को, वो प्रेफर करते हैं इंग्लिश विलो को, लेकिन कुछ प्लेयर्स जो हैं वो कश्मीर विलो का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इन जनरल कश्मीर विलो का यूज़ कम किया जाता है प्रोफेशनल क्रिकेट में। वहीं अगर हम बात करते हैं बिगिनर्स के लिए, या फिर वो लोग जो कि शुरू कर रहे हैं, या फिर जो लोग टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए कश्मीर विलो बैट भी यहाँ पर बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो कम है। वहीं इंग्लिश विलो बैट है वो थोड़ा महंगा होता है। अगर बात करें मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो एक तो इंग्लिश विलो वैसे ही थोड़ा महंगा होता है और साथ ही साथ इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है कश्मीर विलो से, यानी कि हमें इस पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है बैट को खरीदने के बाद भी। वहीं जो कश्मीर विलो है उसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। मेंटेनेंस कॉस्ट में बेसिकली जो आता है बैट्स की एसेसरीज वगैरह, या फिर उसकी जो कंडीशनिंग होती है वो भी मेंटेनेंस कॉस्ट में आती है, जो कि इंग्लिश विलो बैट का ज़्यादा होता है, सीधी सीधी बात है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें कौन से बैट का यूज़ करना चाहिए। क्या हमें इंग्लिश विलो का यूज़ करना चाहिए या फिर हमें एक कश्मीर विलो बैट का यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप किसी एकेडमी में खेलते हैं, या फिर आपको अपने जो क्रिकेट करियर है उसको बहुत सीरियसली लेकर आप चल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको यूज़ करना चाहिए इंग्लिश विलो बैट का, क्योंकि इंग्लिश विलो जो होता है वो आपकी परफॉर्मेंस को और भी आगे जो है लेके जाएगा। वहीं अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, आप एक बिगिनर हैं, आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं और आप अपने स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप कश्मीर विलो बैट का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि कश्मीर विलो बैट वो जो है वो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, आपका जो है थोड़ा बजट वहाँ पर कम लगेगा। वहीं इंग्लिश विलो जो है उसका तो भाई जो है प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है और मेंटेनेंस भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो बैट में अंतर समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, हमने हमारे चैनल का नाम जो है वो भी चेंज कर दिया है। आप सब लोगों को धन्यवाद जिन्होंने भी हमें अपना ओपिनियन दिया, जिन्होंने यस कहा या फिर नो कहा, क्योंकि आपने अपना रियल ओपिनियन हमें दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल प्रयोगशाला को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।